Welcome back to the channel, our news source. Welcome back to the channel, our news source. And today we are going to start another static GK session regarding the first in India female. दोस्तों आज हम एक नया static GK की क्लास शुरू करने जा रहे हैं जहां हम लोगों को भारत की पहली महिला जिन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किए हैं उनके बारे में पता चलेगा और ये सारा क्रेडिट मैं लुसेंट जीके ऑथर बुक को दूंगा क्योंकि वहां से ही ये सब मैंने डिराइव किया। और क्या ये वीडियो के दौरान अगर आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ा स्लो है तो आप यूट्यूब में स्पीड बढ़ा के अपनी टाइम की बचत कर सकते हैं। थैंक यू। ओके लेट्स स्टार्ट। You can raise your speed to save your time. This is very important. So here is the first question कि भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे श्रीमती प्रतिभा पाटिल। And आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और साथ ही साथ कुछ जानकारी जानकारी के तौर पर आप इधर देख सकते हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ था 19th December 1934 और वो एक इंडियन पॉलिटिशियन के साथ साथ एक लॉयर भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल था प्रेसिडेंट के तौर पर 2007 से 2012 तक और भारत की वो 12th प्रेसिडेंट बनी थी। फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी एक मेंबर रह चुके थे। इससे पहले मतलब कि प्रेसिडेंट से पहले वो गवर्नर ऑफ राजस्थान की पद पर भी अपनी कार्यकाल 2004 से 2007 तक समाप्त कर चुके थे और लोकसभा के मेंबर 1991 से लेकर के 1996 तक भी रह चुके थे। फिर अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन पीएम, यानी कि भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। आप लोग इधर उनका फोटो देख सकते हैं साथ ही साथ कुछ जानकारी और वो थर्ड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 1966 में चुने गए थे और वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू थे उनके बेटी थे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर, यानी कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थे? वो थे सरोजिनी नायडू। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और साथ ही में जानकारी के तौर पर ये इन्फॉर्मेशन जो कि एक पोएट भी थे, यानी कि वो एक बंगाली पोएट भी थे। अच्छा अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑन दिल्ली थ्रोन, यानी कि दिल्ली में पहली महिला शासिका के तौर पर कौन दिल्ली की जो राजगादी थी उससे संभाले थे? वो थे राजिया सुल्ताना। और आप इधर उनका फोटो और कुछ जानकारी भी देख सकते हैं। उनका पूरा नाम था सुल्तान राजियात उद दुनिया व उद दिन और ये दिल्ली सुल्तानत के पीरियड के दौरान नॉर्दर्न पार्ट में भारत की उत्तरी हिस्सा में अपनी पोजिशन को संभाले थे वो। और वो एक मुस्लिम रूलर भी थे जो पहली लड़की वाली। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर कौन थे? वो थे किरण बेदी। आप इधर उनका फोटो और कुछ जानकारी भी देख सकते हैं और वो एक पहले से मतलब कि ये पोजीशन को आने से पहले से टेनिस प्लेयर थे और वो बहुत डेडिकेटेड पर्सनल भी हैं और वो IPS सर्विस को क्रैक किए थे कब 1972 में और वो 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बन चुके हैं पुडुचेरी में। कब से कब तक ना 28th में 2016 से लेकर के 16th February 2021 तक। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर किसी भी राज्य की वो कौन थे? वो थे सुचिता कृपालिनी। कौन सी राज्य की थे वो? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं और कुछ जानकारी। उनका कार्यकाल था 1963 से लेकर के 1967 तक। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर और फर्स्ट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री की हेल्थ डिपार्टमेंट की मिनिस्टर के तौर पर अपनी काम वो संभालने वाली वो कौन पहली महिला थे? वो थे राजकुमारी अमृता कौर। आप इधर उनका फोटो और कुछ जानकारी भी देख सकते हैं और वो कब से कब तक अपना कार्य संभाल रहे थे? 1947 से लेकर के 1957 तक।
क्वेश्चन, पूरे 10 साल थे उनका। अच्छा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, भारत की पहली महिला जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, वो थे एनी बेसेंट। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं, और वो एक ब्रिटिश सोशलिस्ट भी थे और थियोसोफिस्ट भी थे, राइटर भी थे, साथ ही साथ वो इरिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। ओके, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कि भारतीय महिला, वो भारतीय नहीं थे पर वो भारतीय महिला जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, वो हैं सरोजिनी नायडू। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी जो कि पिछले स्लाइड में हम देखे थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहली भारतीय महिला जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थे, वो थे मीरा साई फतिमा बीबी। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और साथ ही साथ उनका कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वो 1989 में बने थे पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज, और वो भी एक मेंबर रह चुके हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भारत की, कब, 3 अक्टूबर 1993 में, और गवर्नर भी रह चुके थे तमिलनाडु की। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, वो कौन है ऐसी महिला जो कि पहली बार अशोक चक्र उनको मिली थी, और ये मिलती है अपनी कार्यकाल, अगर देश के प्रति आप अपनी जिंदगी फिर जान को गवा देते हैं तो इसलिए उनको मिलता है, तो वो थे नीरजा भानोत। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं, बहुत कम उम्र में, यानी कि सिर्फ 22 साल की उम्र में जो अपनी वो जान वो गवा दिए थे हमारे देश की रक्षा के लिए, कब कि एक टेररिस्ट की हाईजैक के दौरान उनकी ये देहांत हो गई थी। और बस दुख की बात यह है कि 2 दिन के बाद उनका 23rd बर्थडे भी होने वाला था, और ये हादसा कब हुआ था, 5 सितंबर 1986 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, वो कौन ऐसी महिला जिनको कि पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिली थी भारतीय महिला, वो है आशापूर्णा देवी। इधर आप उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी, एक बंगाली राइटर भी थे, और वो कब उनको अवार्ड मिली थी ना, 1976 में इनको ये अवार्ड मिली थी, बाद में फिर इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तौर से। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न, ऐसे कौन सी भारतीय महिला जिनको कि पहले भारत रत्न मिली थी, वो है मिस शुभलक्ष्मी, MS शुभलक्ष्मी। और इधर आप उनका फोटो देख सकते हैं, और उनका पूरा नाम है मदुराई सन्मुखाभाधिवु शुभलक्ष्मी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और वो एक इंडियन कर्नाटिक सिंगर भी थे, मदुराई से बिलोंग करते हैं तमिलनाडु के, और वही कर्नाटिक सिंगर को काफ़ी चोट, मतलब कि सफलता की चोटी में वो पहुँचाए हैं, इस वजह से उनको भारत रत्न भी मिली थी जो कि इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, वो कौन ऐसी भारतीय महिला जो कि पहली बार महाकाश को गए थे, वो है कल्पना चावला, और पर वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो तो भारत में, तो उनकी भारत में से तो उनका जन्म हुआ था, पर जन्म हुई थी पर वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, और वो कब गए थे, 1997 में, और जो स्पेस शटल था उसका नाम था कोलंबिया। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशन, ऐसे कौन सी भारतीय महिला जो कि यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर में काम कर रहे थे, वह है विजयलक्ष्मी पंडित। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी भी, और वो पहली भारतीय महिला थी जो कि इस पद पर अपॉइंटमेंट मिली थी उनको, और वो इससे पहले, मतलब कि ये अपॉइंटमेंट मिलने से पहले वो क्या किए थे कि 8th प्रेसिडेंट थे कहाँ की ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सॉरी उससे पहले वो तो गवर्नर थे, जैसे कि नहीं, पहले इनको ये पद मिली थी एम्बेसडर के तौर पर, वो काम कर रहे थे, फिर बाद में वो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बने थे, 6th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र 1962 से 1964 तक, पर एम्बेसडर के तौर पर उनका कार्यकाल था 1953 से लेकर के 1954 तक। फिर अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, ऐसे कौन पहली भारतीय महिला जो कि इंग्लिश चैनल को तैर किए थे, वो है आरती साहा या गुप्ता, शादी के बाद उनका नाम, यानी कि टाइटल हो तो चेंज हो जाती है हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से, फिर आजकल तो नहीं हो रही है। फिर देखिए कि आरती गुप्ता जो है वो इंडियन बंगाली लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर थे, और वो जो ये सफलता हासिल की थे, कब हासिल की थे, 29 सितंबर 1959 में, और
इस वजह से उनको 1960 में मिली थी पद्मश्री अवार्ड, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है या ऑनर होती है भारत की। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट द नोबेल प्राइज, ऐसे कौन पहली भारतीय महिला जिनको की नोबेल प्राइज मिली थी, वो थे मदर टेरेसा। इधर आप उनका फोटो देख सकते हैं, 1979 में मिली थी। वो एक बहुत अच्छी सोशलिस्ट भी थे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, ऐसे कौन पहली भारतीय महिला जो कि माउंट एवरेस्ट को आरोहण किए थे, वो हैं बचेंद्री पाल। इधर आप उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी, और ये कब किए थे, 1984 में, और इस वजह से 2019 में उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिली थी, जो कि थर्ड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड होती है भारत की। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम मिस वर्ल्ड, वो कौन ऐसी भारतीय महिला जिनको जो कि पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी, वो थे मिस रईता फरिया। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी, और इनको ये जो मिस वर्ल्ड वाली जो है ऑनर कब मिली थी, 1966 में, मुंबई की रहने वाले थे वो। वो सिर्फ इंडिया को इंडिया से नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली महिला थी ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने वाली। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यानी कि वो ऐसे कौन भारतीय महिला जो कि माउंट एवरेस्ट को दो बार चढ़ चुके थे, वो हैं संतोष यादव। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी, और ये जो काम ये शुरू किए थे कब, पहली बार वो तो अटेम्प्ट किए थे 1992 में और सफल भी हुए थे, फिर दूसरा बार अगले साल यानी कि 1993 में किए थे, और वो कहाँ से शुरू किए थे, कांगसुंग फेस ऑफ माउंट एवरेस्ट से शुरू किए थे अपनी वो शुरू अपनी वो जर्नी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम मिस यूनिवर्स, वैसे कौन पहली भारतीय महिला थी जो कि पहली बार मिस यूनिवर्स बनी थी, वो हैं सुष्मिता सेन, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी रह चुके हैं, और इनको ये मिली थी कॉन्टेस्टेंट में, विनर वो हुए थे कब, 1993 में हुई थी वो, और तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी वो। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट भारत रत्न, वैसे कौन पहली भारतीय महिला जिनको कि भारत रत्न मिली थी, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। आप इधर फोटो देख सकते हैं उनका और कुछ जानकारी, जो कि हम पहले या दूसरे वीडियो में हम इनको इनके बारे में देखे थे, जो कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, कब चुने गए थे, 1966 में, और वो हमारे पहली प्राइम मिनिस्टर जो कि है जवाहरलाल नेहरू, उनके बेटी थे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन WTA टाइटल, वैसे कौन पहली भारतीय महिला जो कि WTA टाइटल को हासिल करने वाले थे, वो हैं सानिया मिर्जा। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं, और सानिया मिर्जा जो हैं एक इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, और वो बहुत अचीवमेंट उनके ज़िंदगी में कर चुके हैं। आप इधर उनके देख सकते हैं कुछ अचीवमेंट्स वगैरह। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस, वैसे कौन पहली भारतीय महिला जिन जो कि इंडियन एयरलाइंस की पायलट रह चुके हैं, वो हैं दुर्बा बनर्जी। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी, कब वो अपनी कैरियर शुरू किए थे, फिर 1959 में, फिर बाद में 1988 में वो इंडियन एयरलाइंस में रिटायर ले गए थे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, वैसे कौन पहली भारतीय महिला जो कि एक एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले थे, वो हैं सरला ठाकराल। सरला ठाकराल जी के फोटो इधर आप देख सकते हैं और पीछे उनका एयरक्राफ्ट भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ए गोल्ड इन एशियन गेम्स, वैसे कौन पहली भारतीय महिला जो कि एशियन गेम्स में एक गोल्ड मेडल हासिल किए थे, वो हैं कमलजीत संधु। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और वो एक इंडियन एथलीट भी थे, और 1970 में बैंकॉक एशियन गेम्स में 400 मीटर की रेस को वो सिर्फ 57.3 सेकंड में तय किए थे, इस वजह से उनको गोल्ड मेडल मिली थी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द बुकर प्राइज, वैसे कौन पहली भारतीय महिला जिनको कि बुकर प्राइज मिली थी, वह है अरुंधति राय, और ये प्राइज मिलती है लिटरेचरी बैकग्राउंड में, यानी कि लिटरेचर में अगर आपकी योगदान काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अहम है, तो इस वजह से उनको मिलती है। और इनको क्यों मिली थी, वो एक बहुत अच्छा नॉवेल लिखे थे जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और इस वजह से इनको मिली थी 1997 में यह अवार्ड। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थे, वो है मीरा कुमार। इधर आप उनका फोटो और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं,
मीरा कुमार जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मेंबर भी रह चुके थे और वो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तौर पर भी अपनी कार्य या फिर पद को संभाल रहे थे। कब से कब तक? ना 2004 से 2009 तक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल कौन थे? वो हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जी के फोटो और कुछ इन्फॉर्मेशन आप इधर देख सकते हैं, जो कि एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर्वेंट के तौर पर अपनी कामों कर चुके हैं और इस वजह से इनको ये पद मिली थी, जो जिनका कि कार्यकाल था सिर्फ 10 दिसंबर 2017 से लेकर के 30 नवंबर 2020 तक, लगभग 3 साल की तक। और वो 1982 बैच की आईएएस ऑफिसर थे, मध्य प्रदेश कैडर की। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? ऐसे कौन पहली भारतीय महिला जो कि डेप्यूटी चेयरपर्सन के तौर पर राज्यसभा में अपनी कार्यकाल को शुरू किए थे? वो थे वायलेट अल्वा। इधर आप उनका फोटो देख सकते हैं, उनकी फोटो और साथ ही साथ कुछ जानकारी। वो कि इंडियन लॉयर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। अच्छा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी एक प्रमुख मेंबर भी रह चुके थे वो। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी जिसको हम बोलेंगे, वो कौन ऐसे पहली भारतीय महिला जिनको जो कि एमपी बन गए थे? वो थे राधा भाई सुबनारायण। यू कैन सी हर फोटो, आप उधर उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली चेयरपर्सन के तौर पर कौन ऐसी पहली भारतीय महिला अपनी पद संभाल थे? वो थे रोज मिलियन वैथ्यू। इधर आप उनका फोटो देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर? वो कौन ऐसी पहली भारतीय महिला जो कि आईएएस ऑफिसर बने थे भारत की, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो पोस्ट होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सर्वेंट। फिर वो है अना जॉर्ज। इधर आप उनका, अरे ये तो कुछ मुझे लग रहा है कि थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन आ गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, इसलिए भी मैं माफी चाहता हूँ, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ गया है। ओके, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली? किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की एक पहली भारतीय महिला जो कि चेयरपर्सन के तौर पर अपनी पद संभाल रहे थे, वो हैं सानो देवी, जो कि हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए थे। कब? 1966 से लेकर के 1967 तक। आप इधर आप देख सकते हैं, पर वो पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट? वैसे कौन पहली महिला जो कि किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गए थे? असल में वो हाई कोर्ट जो है कौन सी स्टेट की है? वो है हिमाचल प्रदेश की, और वो महिला की नाम है लीला सेठ। और इनका आप इधर देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। और वो कब बने थे? 5 अगस्त 1991 में बने थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल सेशन जज? वो कौन ऐसी पहली महिला सेशन जज थे भारत की? वो है अन्ना चांदी। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू गेट अर्जुन अवार्ड? ऐसे कौन पहली भारतीय महिला जिनको कि अर्जुन अवार्ड मिली थी? वो है आनी लुमसेंदेन, और वो हॉकी की एक प्रमुख खिलाड़ी थे। और कब मिली थी अर्जुन अवार्ड? 1961 में मिली थी। काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होती है जो लोग खेल कूद करते हैं। फिर हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू गेट मेडल इन ओलंपिक्स? वैसे कौन महिला जिनको कि ओलंपिक्स में मेडल मिली थी? वह है कर्णम मालेश्वरी। कर्णम मालेश्वरी जो है एक रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर हैं, और उनको मेडल मिली थी कब? ना 2000 के साल में मिली थी मेडल। और इस वजह से उनको अर्जुन अवार्ड भी मिली थी। अगला क्वेश्चन, 1994 में शायद ये अचीवमेंट वो किए थे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू गेट अर्जुन एज वेल एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? मतलब कि दोनों मिली थी ऐसी कौन महिला को जिनको कि बोध यानी कि अर्जुन अवार्ड के साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिली थी? वो महिला हैं कुंज रानी। और कब इनको मिली थी? पहले तो मिली थी 1990 में,
अर्जुन अवार्ड, फिर बाद में 1996 या 97 के दौरान इसी सेशन में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिली थी। और ये भी एक वेट लिफ्टर थे, इंडियन वेट लिफ्टर। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल मेयर, ऐसी कौन है जो कि पहली महिला मेयर बने थे भारत की, वो है तारा चेरियन, जो कि चेन्नई से बिलोंग्स करते हैं। आप इधर उनका फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट, वैसे कौन पहली महिला ग्रेजुएट थे भारत की, वो है दोनों हैं, वह है कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट विथ ऑनर्स, यानी कि वैसे कौन महिला जो कि ग्रेजुएट बने थे पर ऑनर्स के साथ, वो हैं कामिनी रॉय 1886 में, यानी कि ब्रिटिशर्स के पीरियड जो था तब। अच्छा, और अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल फिजिशियन, कौन ऐसी पहली महिला फिजिशियन एक डॉक्टर थे, वो है आनंदीबाज गोपाल राव जोशी। आप इधर उनके फोटो देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी, और वो कहाँ अपनी वो 2 डिग्री की कोर्स कंप्लीट किए थे, वेस्टर्न मेडिसिन इन द यूनाइटेड स्टेट में ग्रेजुएट हुए थे वो। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल सर्जन, पहली भारतीय महिला सर्जन कौन है, वो है डॉक्टर प्रीमा मुखर्जी। इधर आप उनका फोटो भी देख सकते थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल ड्राइवर इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की पहली महिला ड्राइवर कौन थे, लोको पायलट वो कौन थे, वो हैं सुरक्षा शंकर यादव। आप इधर उनकी फोटो और लोको पायलट की कैबिन भी देख सकते हैं। और वो कब ये बने थे, 1988 में ये इंडियन रेलवे की ड्राइवर के तौर पर अपनी कार्य शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ IAF, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली भारतीय महिला फाइटर, यानी कि पायलट की फाइटर, वो कौन थे। अगला क्वेश्चन, सॉरी फाइटर की, इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट की वो पायलट कौन थे, वो हैं भावना कांत। आप इधर उनकी फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी भी। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई सोलो इन IAF, वो अकेली इंडियन एयरफोर्स की पायलट के तौर पर जो फ्लाई सोलो होती है एक एयरक्राफ्ट उसको उड़ाने वाले, वो हैं हरिता कौर देओल। आप इधर उनकी फोटो भी देख सकते हैं और साथ ही साथ कुछ जानकारी। और वो फ्लाइट कब थी, 2 सितंबर 1994, फ्लाइट की नाम थी आभ्रो HS-748, जबकि वो सिर्फ 22 साल की उम्र की थी वो। अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल, पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे, वो थे पुनीता अरोरा। इनकी फोटो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ इनकी कुछ जानकारी। और वो इंडियन नेवी में भी ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं और इंडियन आर्मी में भी अपनी अपनी कार्य यानी कि अपनी योगदान भी दे चुके हैं वो। और वो एक 3-स्टार रैंक लेवल के ऑफिसर भी हैं। अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल एयर मार्शल, वो कौन ऐसी पहली भारतीय महिला एयर मार्शल हैं, वो हैं पद्मा बंदोपाध्याय। पद्मा बंदोपाध्याय, इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी भी। अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, वैसी कौन पहली महिला जो कि इंडियन एयरलाइंस की चेयरपर्सन बन चुके हैं, वो हैं सुषमा चावला। सुषमा चावला जी जो हैं, इधर फोटो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन ऑस्कर अवार्ड, वैसे कौन पहली भारतीय महिला जिनको कि ऑस्कर अवार्ड मिल चुकी है, वह है भानु अथैया। भानु अथैया जी के फोटो देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन। वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थे, पेंटर भी थे। अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू स्काई टू द साउथ पोल, ऐसी कौन पहली भारतीय महिला जो कि साउथ पोल, हमारे भारत की दो हिस्सा होती है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो साउथ पोल जो है दक्षिण की छोर पर उधर अपनी जर्नी किए थे, सॉरी वो हैं रीना कौशल धर्मसक्तु। इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं जो कि अपनी जर्नी सूट के साथ हैं वो बर्फीली एरिया में। अगला क्वेश्चन, अच्छा वो जो जर्नी जो थी वो थी लगभग 900 किलोमीटर,
इतना जर्नी होता है किए थे और वो अंटार्कटिका से शुरू किए थे अपनी वो जर्नी जो कि साउथ पोल तक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू क्रॉस सी चैनल्स ऑफ 5 कॉन्टिनेंट। वैसे कौन पहली भारतीय महिला थी जो कि 5 कॉन्टिनेंट को कवर किए थे समुद्र के रास्ते से जरिए, सी चैनल के जरिए। वह हैं बुला चौधरी, आप इधर उनकी फोटो देख सकते हैं, और वे एक स्विमर भी थे और ये अचीवमेंट की वजह से उनको अर्जुन अवार्ड भी मिली थी, पद्मश्री अवार्ड भी मिली थी और वो फिर बाद में पॉलिटिक्स में एंट्री किए थे और इस वजह से वो एक MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रह चुके हैं कहाँ की, वेस्ट बंगाल के एक स्टेट में 2006 से 2011 के अंदर। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू वॉक अक्रॉस द गोबी डेजर्ट। वैसे कौन महिला जो कि गोबी डेजर्ट को पैदल ही चल करके तय किए हैं, वह हैं सुचित्रा काडे थनकर, इधर आप उनके फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी के तौर पर जैसे कि वो कितने दूरी तय किए थे, 1000 माइल यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर, और वो जो गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में पड़ती है और एशिया की सबसे बड़ा डेजर्ट है वो। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल कौन थे, वो थे V.S. रमा देवी, इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं और जानकारी के तौर पर ये इन्फॉर्मेशन, और वो कर्नाटक की 13th गवर्नर भी रह चुके हैं और 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। कब से कब तक, 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11th दिसंबर 1990 तक। अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस नॉमिनेटेड फॉर राज्यसभा। ऐसे कौन पहली महिला जो कि एक्ट्रेस है यानी कि अभिनेत्री हैं जिनको कि राज्यसभा में चुने गई है, जो कि राज्यसभा में चुने गए हैं, वो हैं नारगिस, इधर आप एक पोर्ट्रेट देख सकते हैं उनकी और कुछ इन्फॉर्मेशन। नारगिस जी जो हैं अपनी पहली जो कैरियर है सिनेमा में एक्ट्रेस के तौर पर शुरू किए थे सिर्फ 5 साल की उम्र में, और वो जो मूवी थी वो थी तलाशी हक। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू रीच अंटार्कटिका। वो ऐसे कौन पहली महिला थी जो कि अंटार्कटिका में पहुंचने वाली भारतीय महिला, वो है मेहर मोस, आप इधर उनकी फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल रिसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड। वैसे कौन पहली महिला जिनको कि साहित्य एकेडमी अवार्ड मिली थी, वो है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जी की फोटो आप इधर देख सकते हैं और साथ ही साथ उनकी कुछ जानकारी, और एक पंजाबी लिटरेचर के फील्ड पे आप काम अपनी काम वो किए थे वो, और इस वजह से उनको 1956 में ये साहित्य एकेडमी अवार्ड मिली थी। अगले क्वेश्चन, अरे बाप, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल पार्टिसिपेंट ऑफ ओलंपिक गेम्स। वो कौन ऐसी पहली भारतीय महिला जिनको कि जो कि ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट ही किए थे, इसमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो वो है मैरी लीला राव। मैरी लीला राव जी के फोटो आप इधर देख सकते हैं, वो एक स्प्रिंटर भी हैं यानी कि एथलेट हैं, और इनकी जो फेस है वो थोड़ा दुती चंद जी के साथ मिलती जुलती रहती है जो कि हमारे उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। और वो कब पार्टिसिपेट किए थे, 1956 में समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा, अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस। वो कौन ऐसी पहली महिला एक्ट्रेस हैं, वो हैं देविका रानी, इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं और जानकारी के तौर पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप इधर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ राष्ट्रीय महिला आयोग। वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन थे, वो थे जयंती पटनायक, इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन, और उनकी जो टेन्योर थी यानी कार्यकाल के दौरान थी वो थी 3 फरवरी 1992 से लेकर के 30 जनवरी 1995 तक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल न्यूज रीडर ऑफ दूरदर्शन। जो दूरदर्शन है काफी पॉपुलर है हम लोगों के बीच, और वो मतलब कि हमारे जमाने में तो था दूरदर्शन सिर्फ एक ही माध्यम था सारा कुछ खबर वगैरह उसे पाने के लिए, तो दूरदर्शन की पहली महिला न्यूज रीडर थे प्रतिमा पुरी, इधर आप उनकी फोटो और बगल में दूरदर्शन की लोगो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट इन बैडमिंटन, वैसे कौन पहली महिला जिनको कि ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिल चुकी है बैडमिंटन की खेल, वो है पीवी सिंधु। आप इधर उनकी फोटो देख सकते हैं मेडल के साथ और कुछ इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडलिस्ट इन बैडमिंटन, वैसे कौन पहली महिला हैं जिनको कि बैडमिंटन में ओलंपिक्स में मेडल मिल चुकी है, वो है साइना नेहवाल। इधर आप उनके फोटो के साथ साथ मेडल भी देख सकते हैं और वो पूरे 26 इंटरनेशनल टाइटल्स हासिल कर चुके हैं जिसमें 10 सुपर सीरीज टाइटल भी है। क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट इन रेसलिंग एट ओलंपिक, ओलंपिक्स में रेसलिंग में जो रेसलिंग की जो इवेंट होती है उसमें पहली महिला जिनको कि मेडल मिली है वो कौन थे, वो थे साक्षी मलिक। इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन, और उनको ब्रोंज मेडल मिली थी 58 केजी कैटेगरी में 2016 की समर ओलंपिक्स में। अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू गेट ब्रोंज मेडल इन बॉक्सिंग एट ओलंपिक्स, ओलंपिक्स की जो बॉक्सिंग इवेंट होती है उसमें ब्रोंज मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी, वह है मैरी कॉम। 2012 लंदन ओलंपिक्स में ये हासिल किए थे, यानी कि ब्रोंज मेडल इनको मिली थी और इनका पूरा नाम है चुनगई जंग मैरी कॉम हेमंगते, जिनको कि सिर्फ एमसी मैरी कॉम के नाम पर जानते हैं, और 2012 की ओलंपिक्स में इनको मिली थी लंदन ओलंपिक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी, वो कौन पहली भारतीय महिला फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो हैं चोकिला आयर। चोकिला आयर जी के फोटो आप इधर देख सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन, और वो एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं। कब उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, वो 2001 से लेकर के जून 2002 तक अपने पद को संभाले थे, और इसी दौरान वो अम्बेसडर भी थे भारत की रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में। और इनकी जो ये कौन सी बैच की थे, वो थे 1964 बैच की आईएएस ऑफिसर। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक जिम्नास्टिक, वैसे कौन पहली महिला जो कि ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक इवेंट में क्वालिफाई किए थे, वो हैं दीपा कर्मकार। और आपने और वो 2014 की कॉमनवेल्थ गेम्स जो ग्लास्को में खेला गया था, इधर ही वो सिर्फ क्वालिफाई कर पाए थे। फिर ये भी बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ बोलना गलत ही होगा, क्योंकि काफ़ी इनके लिए काफ़ी कसरत करना पड़ती है, काफ़ी बॉडी फिटनेस भी रखना पड़ती है। Really, these all things are appreciable, as well as these things are very noble work. Who was the first female gold medalist in Asian Games? वो कौन ऐसे पहली भारतीय महिला जिनको कि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिली थी, वो है विनेस फोगट। इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट फीमेल इंडियन प्राइम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो कौन ऐसी भारतीय महिला जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं, वह है नीता अंबानी। इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी के साथ, और नीता अंबानी जो है अभी काफ़ी सारे पद को संभाले हुए हैं, जैसे कि चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, और फिर धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, इसके भी चेयरपर्सन एंड फाउंडर हैं, और डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडिकेटर। अगले क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू हिट डबल टन इन क्रिकेट, वैसे कौन पहले महिला जो कि क्रिकेट में दो सेंचुरी लगा चुके हैं, वो है मिताली राज। इधर आप उनकी फोटो और कुछ जानकारी भी देख सकते हैं। वो भारत के लिए 1999 से लेकर के 2022 तक खेल चुके हैं, और उसी दौरान 2004 से 2022 तक अपनी कैप्टेंसी को भी संभाल रहे थे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन क्रिकेटर टू गेट 100 विकेट, वैसे कौन पहली महिला जो कि भारतीय महिला टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले थे, वो हैं डियाना इदुल जी। इधर आप उनकी फोटो और कुछ जानकारी भी देख सकते हैं, वो तो फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर भी थे। हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू गेट नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड,
नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड डॉक्टर अमृता पटेल जी को मिली थी। 1992 में इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन। इसी के साथ साथ नहीं, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू रीच ओलंपिक इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट फाइनल, वो कौन है? वो है पीटी उषा। इधर आप उनकी फोटो देख सकते हैं और कुछ जानकारी। पीटी उषा जो है उनकी पूरी नाम है पीला भूला कंडी ठेकेरा परम्बिल उषा, सॉरी अगेन, पीला भूला कंडी ठेकेरा परम्बिल उषा, जो कि 27 जून 1964 में उनकी जन्म हुई थी और वो रिटायर भी कर चुके हैं इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलेट से। और इस वजह से और इतना कंट्रीब्यूशन है उनकी, जैसे कि वो 4 एशियन गोल्ड मेडल को हासिल कर चुके हैं, 7 सिल्वर मेडल भी हासिल कर चुके हैं, और इस वजह से उनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट भी बोले जाते हैं, मतलब कि लोग इनको ये। अच्छा, तो इसी के साथ ख़त्म हो रहा है हमारा ये सेशन। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी रहेगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा यूजफुल है तो कृपया इसको थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट या फिर अपनी वो दोस्तों या फिर नज़दीक लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए ले पाऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।